यूनिवर्सिटी में थी, तुरंत उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया। उसी टाइम मेरे हॉस्टल को सील कर दिया गया। 9 दिन का भूख हड़ताल एड ब्लॉक पे किए थे, जिस उसी दौरान एबीएपी के लोगों ने हम लोगों पे हमला भी किया। सबसे पहले मेरा नाम अंशु है और मैं 2012 में जो छात्र संघ चुनाव हुआ था उसमें मैं महासचिव थी, बनी थी, लोगों ने सपोर्ट किया था और सबके सपोर्ट से, साथियों के संघर्ष से मैं महासचिव के उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ी और जीती भी थी। और फिलहाल मैं JNU से PhD कर रही हूँ। आपको याद होगा कि 28-29 साल बाद पटना यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हुआ, आज 5 साल बाद फिर 2018 में इलेक्शन हो रहा है। मुद्दे अभी भी वहीं के वहीं हैं, समस्याएँ वहीं की वहीं हैं। बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया, क्योंकि यूनियन का इलेक्शन बहुत सालों बाद हुआ और फिर ठप हो गया। जब तक इस यूनियन, सबसे पहला हमारा ये रहेगा कि जिस इलेक्शन छात्र संघ का चुनाव हर साल हो, हर साल छात्र संघ का चुनाव हो सके, ताकि कैंपस जागरूक हो सके, कैंपस पॉलिटिकल हो सके, सोशल हो सके और डेमोक्रेटिक हो सके, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। यहाँ पर मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि ये एक साल के अंदर बड़े बड़े नए नए बिल्डिंग बना दिया जाएगा, लेकिन मेरा ये प्रायोरिटी रहेगा कि हमारे पास पटना यूनिवर्सिटी के पास जो भी अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो भी टीचर हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी हॉस्टल है, जो भी सेंट्रल लाइब्रेरी और लाइब्रेरीज हैं, उनको तंदुरुस्त किया जाए। आप छात्र महासचिव चुने गए, तो आपने उस समय में जब चुनने के बाद आपने क्या किया था? सबसे पहले मैं GDS हॉस्टल में रहती थी, GDS हॉस्टल और गंगा, आपको इलाहाबाद बैंक के तरफ से आप जाते होंगे, हमेशा आपको वहाँ पे आए दिन लड़कियों को लेकर के छेड़खानी की मसला आया करती थी। उसको लेकर के सबसे पहले वहाँ पे लाइटिंग और गार्ड की व्यवस्था की गई, और GS कैश का हम लोगों ने वहाँ पे वाइस चांसलर थे शंभू जी, उनके नेतृत्व में वहाँ पे GS कैश का भी गठन किया गया, जिसकी मेम्बर मैं भी थी और भी अलग अलग संगठनों के लोगों को बनाया गया था। बीएड का जो फीस वृद्धि 2000 से 95,000 कर दिया गया था, उसके लिए लड़ा गया। 8 कॉलेज के जो मसले थे उसको लेकर के लड़ा गया। आपको याद होगा कि हम लोग जो बेसिक समस्याओं को लेकर के 9 दिन का भूख हड़ताल एड ब्लॉक पे किए थे, जिस उसी दौरान एबीएपी के लोगों ने हम लोगों पे हमला भी किया, और उसी दरमियान उसी दिन हम लोग दरभंगा हाउस में यूनियन का मीटिंग चल रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद जब वाइस चांसलर पर लगातार दबाव बनाया गया, चाहे फंड को लेकर के हो, चाहे अधिकारों को लेकर के हो, चाहे ये भी बोला गया बार बार कि यूनियन का इलेक्शन 28 साल बाद हुआ, कोई सीनियर नहीं बचा था जो हमें ये बताए कि हाँ हमारे अंदर अंदर क्या क्या हम कर सकते हैं, उन सब को लेकर के जब हमने अपनी संघर्ष तेज की कि हमें कोई डॉक्यूमेंट दिया जाए, हमें कोई फंड का खाँचा दिया जाए कि किस तरीके से फंडिंग है, ताकि हम कोई काम कर सकें। हालात बहुत ख़राब था यूनिवर्सिटीज़ का, सारी काम ठप पड़ी थी। वाइस चांसलर इस कैंपस के सबसे हेड हैं और यहाँ पर पढ़ने वाला एक एक बच्चा उनका अपना बच्चा है। अगर हमसे कोई बात हुई, अगर हमने कोई गलती की या नहीं की, ये उनको सुनने, वो सुने, पहले बच्चों से पूछे कि हम कहाँ थे, हम क्या कर रहे थे। उन्होंने एक मिनट भी मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं समझा। मैं पटना यूनिवर्सिटी में थी, तुरंत उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया। उसी टाइम मेरे हॉस्टल को सील कर दिया गया। आप बताइए कि अगर ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत भी ये किया जाता है कि कोई कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, उसको उसकी मूलभूत चीज़ें दी जाती है, कपड़े, दवाइयाँ, उसके जो अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ पैसे, वो भी नहीं दिया गया यूनिवर्सिटी के। अच्छा, जैसा कि और उन सब के बावजूद भी AISF लड़ा और आगे भी लड़ता रहा। आप MMC के सवाल आपको लेकर याद करिए कि AISF लड़ता रहा और उसके बावजूद भी हम लोग, मैं खुद यहाँ भूख हड़ताल पर बैठी थी, तो तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग लड़ते रहे। लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर कहने की ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ को लगातार छात्र संघ के चुनाव कराने की ज़रूरत है, ताकि लोग रेगुलराइज होकर के एक संगठित रूप से संगठित हो सके और अवेयर हो सके। तो जैसा कि आपके कैंडिडेट से हमने बात किया था, वो नॉमिनेशन के दिन पर उनका कहना था कि ABBV के चुनाव प्रचार में मोहन भागवत आ रहे हैं, और हम जैसा कि देख रहे हैं कि मोहन भागवत का हम जो ने पता किया, तो मोहन भागवत अपने कुछ निजी कार्यक्रम से यहाँ पर आए थे। आपको नहीं लगता कि आपके छात्र खुद में इतने कैपेबल है कि वो खुद चुनाव लड़ सके? आप आ रही हैं, फिर स्वच्छता डे भी आई हैं वो नॉमिनेशन के दिन में, तो ये क्या है? दो तरह की बातें हैं। मोहन भागवत
को लेकर के जो आपने बोला बहुत अच्छी सलाह है। मोहन भागवत अब मुझे नहीं लगता कि वो एक अकेला मोहन भागवत बचे, मोहन भागवत ने कई मोहन भागवत को खड़ा कर दिया। आरएसएस और एबीपी और बीजेपी ने कई मोहन भागवत खड़ा किया। आज ये नहीं भी रहेंगे तो उनको लेकर के जय श्री राम करते हुए आज भी गुजरात की दंगा याद है। दूसरी बात जो आपने कहा, इसमें दूसरी पहलू पे हम आना चाहेंगे कि सुचिता डे और मेरा आपको मेरे आपको ये पता हो कि अभी ही नहीं, हमारे जो संगठन है और हमारा जो पटना यूनिवर्सिटी है इससे हमारा भी एक जुड़ाव है। मैं भी यहाँ की स्टूडेंट रही हूँ, इसके बाद भी कोई छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ। जब भी यूनिवर्सिटी को लगा या मुझे लगा कि कैंपस को ज़रूरत है, हम आते रहे हैं और अभी भी आएंगे क्योंकि हमारी एक जवाबदेही है। लेकिन हम कोई बड़ा मोहन भागवत से तो मेरी कहीं कोई कंपैरिजन भी नहीं है, वो कहाँ और हम कहाँ, उनके पीछे तो कितना अभी मतलब बड़े लोग लग जाए, क्या क्या हो जाए, कितने बड़े बड़े दंगे हो जाएंगे, हमको तो यहाँ लोग मार के चले जाएंगे, कहाँ कोई कुछ करने वाला है।